अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। आज था संडे का दिन और हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा आउटिंग पे, क्योंकि पूरा वीक जो है घर पे रह रह के बोरियत सी हो जाती है, तो वीकेंड को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो पूरा वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा गुजरता है। अगर सेम रूटीन रहे तो उससे माइंड जो है वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग भी वीकेंड पे कहीं जाएं, आउटिंग करें, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है और उससे मेंटल हेल्थ जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। जिस तरह फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसी तरह कोशिश किया करें कि अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रेफरेंस पे रखा करें। हम लोग जा रहे थे दरिया पे और ये थोड़ा सा कच्चा रोड था और यहाँ पर दोनों तरफ जो है हरियाली थी। मोस्टली जो है यहाँ पर थे सूरजमुखी के खेत, जैसा कि आप देख सकते हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे सूरजमुखी के खेत जो है। लास्ट वीडियो हमने जो है वो फुल सनफ्लावर्स पे बनाई थी। उम्मीद है आपने हमारी वो वीडियो भी वॉच की होगी, अगर नहीं वॉच की तो जाके वो वॉच करें। यहाँ हम आ चुके थे दरिया पे, लेकिन दरिया जो है बिल्कुल ही सूखा पड़ा था, बस रेत ही रेत थी। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी रेगिस्तान में आ गए हों, लेकिन थैंक्स टू अल्लाह के मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी नहीं थी। यहाँ पर दरन हैदर और मुर्सा मोहम्मद बेग जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। इन्होंने शूज़ उतार दिए थे और ये दोनों जो है रेत में खेलने को बेताब थे, कैसे ये इंजॉय कर सकें। आप देख सकते हैं बच्चे जो है खुले माहौल में जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दरन हैदर को वैसे ही अपने कजन्स के साथ माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है खेलने में, शरारतें करने में। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था। ये जा रही है हमारी अम्मी जान। अम्मी जान को जो है आउटिंग का वैसे ही बहुत शौक है घूमने फिरने का। माशाल्लाह हमारी अम्मी जान जो है वो बहुत लाइवली पर्सन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी अम्मी जान के लिए बहुत सारी दुआ करें। अल्लाह में हमारी अम्मी को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहम्मद बेग ने अपना शेर नशर कर लिया था, लेकिन ये रेत है तो ये चिपकती नहीं है कपड़ों पे, इसको झाड़ लें तो फ़ौरन से जो है वो कपड़े साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर दरन हैदर भी अपने कज़न को देख के मस्तियाँ करने में माशाल्लाह मसरूफ़ थे। देखिए दरन हैदर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप ही बताएं कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा है और आप वीकेंड पे क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। मुस्तफ़ा जो है वो नहीं आए थे हमारे साथ, वो जो है ज़रा डिफरेंट माइंडसेट के बच्चे हैं, वो अलग रहना पसंद करते हैं, उनकी इतनी दोस्ती भी नहीं है। लेकिन मोहम्मद बेग की जो है माशाल्लाह हर किसी से बहुत दोस्ती हो जाती है, और दरन हैदर की भी। यहाँ दरन हैदर इंजॉय कर रहे थे अपनी मम्मा के साथ। देखिए माशाल्लाह बहुत हैप्पी थे दरन हैदर, रेत में आकर फर्स्ट टाइम ही आए थे ऐसे एरिया में जहाँ खुला और रेत हो, तो ये फुल इंजॉय कर रहे थे वीकेंड को। बहुत ही अच्छा मौसम था उस दिन, हल्की हल्की धूप थी, कभी बादल आ जाते थे, लेकिन बारिश का मौसम थोड़ा थोड़ा बना था, लेकिन बारिश हुई नहीं। अगर बारिश हो जाती तो मौसम मज़ीद खुशगवार हो सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौसम वैसे ही नॉर्मल था, गर्मी नहीं थी। यहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आ रही थी रेत भरने के लिए दरिया से, क्योंकि ये सूखा पड़ा है तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा रेत तो निकाल निकाल कर ट्रॉलियाँ लेके जा रही थी। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जो है दरिया की बहुत पसंद आई होगी। दरिया की तो नहीं, इसे हम डेजर्ट कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो इसमें पानी नहीं था।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, जा रहे थे अब हम लोग वापस। और जब हम लोग जा रहे थे तो थोड़ा सा मिसअप हो गया, वो ये कि रशीद भाई की गाड़ी जो है वो फंस गई थी। फिर हम सब बच्चों ने और हम सब ने जो है उसे धक्का लगाया, बड़ी मुश्किल से वो निकली। ये देखिए, बिल्कुल दरिया की वजह से पानी गुजरता रहता है यहाँ पर, तो ये ऊपर नीचे अजीब सी जगह बनी पड़ी है। लेकिन दिन अच्छा गुजरा था हमारा, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे जो है वो बहुत थक गए थे। चलें जी, यहाँ पर हमारा होता है व्लॉग ख़त्म। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा।